गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट ई. व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर अनयूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन. इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर बनाए जाते हैं वो नॉर्मली कॉपर एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? आपको पता होना चाहिए कॉपर और एल्युमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होती है, कॉपर का सिंबल Cu, एल्युमिनियम, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू लो. और इसकी वैल्यू लो होने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस लो है. जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस लो होता है वो करंट को कंडक्ट करने में उतना ही अच्छा होता है. तो ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी या कह सकते हो लो रेजिस्टेंस, वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर इन करंट ट्रांसमिशन. इसका थोड़ा सा टेबल से और मैच कर लीजिए. यहाँ पे देखिए, हाँ ये बताइए कंडक्टर में कॉपर और एल्युमिनियम, यहाँ पर देखिए कॉपर और एल्युमिनियम, कॉपर और एल्युमिनियम में यहाँ पर बताइए कॉपर की रेजिस्टिविटी है 10^-8 की रेंज में, एल्युमिनियम की है 2.63 × 10^-8, सिल्वर की है 1.60 × 10^-8. तो सबसे अच्छा तो सिल्वर है. हम सिल्वर का वायर क्यों नहीं बना रहे? हम सिल्वर का वायर इसलिए नहीं बना रहे कि सिल्वर काफ़ी कॉस्टली है, चांदी जिसे बोला जाता है ये काफ़ी कॉस्टली है और इसके वायर चोरी होने का भी डर रहता है. तो हमारे पास कॉपर और एल्युमिनियम इसके कंपैरिजन में सस्ता है और कंडक्टिविटी भी लगभग बराबर सी ही है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है. सबसे बेस्ट अगर पूछा जाता है कौन सा कंडक्टर है तो वो सिल्वर होगा, ठीक है. तो ये सारे अच्छे कंडक्टर हैं, इसलिए सिल्वर को ना यूज़ करके हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कॉपर और एल्युमिनियम को यूज़ कर रहे हैं. सिल्वर की कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है. बस इतना ही इसमें आंसर देना है आपको. ओके, थैंक यू.